उधर यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने एक बार फिर वहां जोरदार हमला बोला और दक्षिणी यूक्रेन में भीषण हवाई हमले कर दिए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। पुतिन की सेना के हवाई हमले के बाद यूक्रेन से एक वीडियो सामने आया जिसमें चारों तरफ भयानक तबाही नजर आई। इमारतों से आग की लपटें उठती दिखी और वहां मौजूद गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। 40 सेकंड के वीडियो में दमकल कर्मचारी आग बुझाते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने एक 5 मंजिला इमारत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें बरसा दी। ये इमारत दक्षिणी यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर में मौजूद है। वहां के मेयर ने जानकारी दी कि हमले के वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे जिनमें 3 की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहत और बचाव में जुटे कर्मचारियों ने बताया कि कुछ लोग मलबे में भी दबे हो सकते हैं। रिहायशी इलाके पर हुए इस हमले को यूक्रेन ने रूस की तरफ से किया गया आतंकी हमला करार दिया। इस बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए 31 देशों की सेनाओं के गठबंधन नेटो ने अपने 74 साल के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी एयरफोर्स ड्रिल शुरू कर दी। नेटो और रूस एक दूसरे के दुश्मन है। जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है तब से दोनों जंग के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में रूस को डराने के लिए नेटो अपने सदस्य जर्मनी के यहाँ एक्सरसाइज करने उतर गया जिसमें 25 देशों के करीब 250 विमान और 10,000 सैनिक 23 जून तक अपनी ताकत आजमाएंगे। जो जापान नेटो का हिस्सा भी नहीं है वो भी इसकी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नेटो इस बात की प्रैक्टिस करना चाहता है कि कल को अगर रूस उसके किसी भी सदस्य देश पर ड्रोन या मिसाइल अटैक कर दे तो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए भी नजर आए। बताया गया कि नेटो की एयर डिफेंडर 23 नाम की इस ड्रिल में लड़ाकू विमान नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर के ऊपर लगभग 2,000 उड़ानें भरेंगे। इस वजह से जर्मनी में आम उड़ानें लेट भी हो सकती हैं। लेकिन जर्मनी में जारी नेटो के हवाई अभ्यास के जवाब में रूस ने भी जापान सागर में अपना दम दिखाया। रूस के इस सैन्य अभ्यास में उसके युद्धपोत और खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाते नजर आए जिसका एक वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में जापान सागर में मौजूद रूसी जहाजों से बमों की बारिश होती नजर आई। इस दौरान रूसी वायुसेना के बड़े बड़े विमान समंदर में मौजूद उसके युद्धपोतों से उड़ान भरते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने ये सब नेटो को जवाब देने के लिए किया क्योंकि नेटो ने एक दिन पहले ही जर्मनी में अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की शुरुआत की है जिसे पुतिन के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। माना जा रहा है कि नेटो के इस ऐलान के बाद ही रूस ने जापान सागर में ड्रिल करने का फैसला लिया ताकि नेटो को अपनी ताकत दिखाई जा सके। इस बीच यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि जंग में जेलेंस्की की सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए नेटो हथियार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बनाएगा। खबर है कि इस मुद्दे पर नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को अहम बैठक भी होगी जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि जंग में जेलेंस्की की सेना को किस तरह जल्द से जल्द घातक हथियारों की सप्लाई हो सके। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक नेटो इसके लिए हथियार बनाने वाली कई कंपनियों पर दबाव बनाएगा ताकि युद्ध में यूक्रेन कहीं से भी कमजोर न पड़े। और युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए और इन देशों में मौजूद हथियार बनाने वाली कंपनियां लगातार यूक्रेन की जरूरतें पूरी करने में जुटी हैं। इसी तरह यूरोप के कई दूसरे देशों की कंपनियों ने भी हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन खबर है कि नेटो अब इन मददगार देशों पर इस बात के लिए दबाव बनाएगा कि यूक्रेन को हथियार मिलने में देर न हो।